मुल्क में गर्मी बढ़ते ही बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ शहरों में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 8 से 10 घंटे, पिशावर में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। रात के औकात में भी बिजली की आंख मचोली जारी रही। गुजरांवाला, चिश्तियां, टोबा टेक्सिंग, मियाँ चन्नू समेत दीगर शहरों में भी कई कई घंटे बत्ती गुल। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट हो चुका है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे और लोड शेडिंग के खिलाफ फैसलाबाद में पावरलूम्स मालिकान का एहतजाज। पावरलूम्स मालिकान ने हुकूमत के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी बैनर्स लगाए। 40 रुपये फी यूनिट महंगी तरीन बिजली इंडस्ट्री के लिए मौत के मुतरादिफ है। FBR करोड़ों रुपए के बेजा नोटिस कर रहा है। महंगाई के बायस मार्केट में कपड़े की मांग भी खत्म हो चुकी। पावरलूम्स मालिकान का मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म ने जुलाई में लोड शेडिंग मजीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। कहते हैं गैस और तेल के मसाइल हैं, हो सकता है आइंदा माह लोड शेडिंग बढ़ जाए। मसाइल ख़त्म करके जल्द खुशहाली की तरफ कदम उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। हज पॉलिसी के नए मुसवदे समेत 6 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान की असल मंजिल खुद इन्हिसारी है। गैस ना होने के बायस मंसूबे ताखीर का शिकार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा वसाइल के बावजूद मुल्क कर्जों के बोझ तले दब चुका। दिन रात मेहनत करके अपने पांव पर खड़े होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF से 2 अरब डॉलर जल्द मिलने का भी बता दिया। IMF ने 7वें और 8वें जायजे का मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले कर दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है जो मुश्किल फैसले करना थे वो किए, मुल्क दिवालिया होने से बच गया, जल्द अच्छी खबर देंगे। सख्त मुआशी हालात में भी वज़ीर-ए-आज़म ने गरीब अफराद को रिलीफ दिया। सिर्फ 10 साल ग्रोथ पर तवज्जो दें तो मुल्क को खुद मुख्तारी की तरफ ले जाएंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 19 पैसे सस्ता, कीमत 206 रुपए 75 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 50 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 41,900 की सतह पर ट्रेड करने लगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कीलें नौ कर दी। मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और आयशा गौस पाशा शामिल। मुस्तदिक मलिक, हफीज पाशा, अकबर जैदी, नदीम जावेद, समीना खलील, मसूद अहमद और एजाज नबी भी हिस्सा होंगे। अली चीमा, मोहम्मद हसन शाह, अख्तर हुसैन शाह, मंजूर अहमद, खुर्रम हुसैन और साकिब शेरानी भी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल होंगे। हमजा शहबाज के हल्फ लेने और गवर्नर के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला आज ही करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के दौरान समाअत रिमांड, समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। अदालत ने रिमांड दिए कि मुनारिफ अरकान को निकाल कर दोबारा वजारत आला की वोटिंग करा लेते हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब को हुकूमत से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और पुलिस अहलकारों पर तशद्दुद के केसेस। ATC कोर्ट में यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, महमूद रशीद समेत PTI रहनुमाओं की बुरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी। PTI रहनुमाओं ने एक और मुकदमे में लाहौर सेशन कोर्ट में भी दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा बोले, हुकूमत चाहती है हम जमानतें ही करवाते रहें, ज़िमनी इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे, अपने वोटों की हिफाजत भी करेंगे। MQM के डिप्टी कन्वीनर कमर नवीद जमील की तबीयत इंतहाई नासाज। तर्जमान MQM के मुताबिक कमर नवीद जमील को ब्रेन हैमरेज हुआ। इंतहाई तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है।
कौम से दुआओं की अपील है। गुलकार शहजाद रॉय का कराची को बदतर रिहाइश वाले शहरों की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर इजहार तशवीश। शहजाद रॉय ने सिवरेज नाले पर खड़े होकर अपनी तस्वीर शेयर की, लिखा कि माहौल और कुदरत हमें माफ नहीं करेगी, वो हर रोज अपने शहर को बचाने की कोशिश करते हैं। ईदे कुर्बान की आमद आमद, महंगाई के बायस मवेशी मंडियों की रौनकें मांद, खरीदारों के साथ व्यापारी भी परेशान, बढ़ते अखराजात के बायस मवेशी के दाम नहीं मिल रहे। उधर पंजाब व खैबर पख्तूनख्वा में जानवरों की बीमारी लंपी स्किन तेजी से फैलने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में दो माह में लंपी स्किन से मुतासरा 146 जानवर हलाक हो चुके। इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज को वनडे बना डाला। न्यूजीलैंड के खिलाफ नॉटिंघम के बाद लीड्स टेस्ट में भी शानदार जीत। जॉनी ब्रेस्टो की एक और जारहाना बैटिंग की बदौलत इंग्लिश टीम ने आखिरी रोज 294 रन का हदफ 3 विकेट्स पर हासिल कर लिया। सीरीज 3-0 से मेजबान टीम के नाम रही। जो रूट सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस, मेंबर्स फ्रॉम मीडिया, रेनाउंड एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस कम्युनिटी मेंबर्स, एक्सलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स रियली अ ग्रेट प्लेजर एंड एन ऑनर टू बी हियर दिस मॉर्निंग एंड आई थिंक द सब्जेक्ट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टू द नीड ऑफ द डे। आई विल नॉट रिपीट व्हाट आवर अर्लियर स्पीकर्स हैव सेड, बट आई विल सर्टनली submit before your kind consideration certain important points and then seek your, in fact I'll request all of you, our brothers and sisters who have come from abroad and traveling long distances, just to be here, reflect beyond any ray of doubt their commitment and their concern for their motherland Pakistan, and I'm very grateful to all of you who have come from Europe, from North America, from Middle East, Far East. It's really a great honor to welcome you here in your own country.